इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश राघवेंद्र पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। घायल अवस्था में बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश गौ तस्करी में लिप्त था। यहां आपको बता दें कि अन्य साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जब ये बदमाश मौके से फरार हो गया था। पकड़े गए बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद हुई है। पकड़े गए बदमाश पर एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जो कि विभिन्न जनपदों में है। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए ग्रामीण अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह ने बताया कि 25,000 का इनामिया गौ तस्कर राघवेंद्र पुत्र हरिराम निवासी नगलापुट थाना इकदिल जनपद इटावा चैकिंग के दौरान रोका गया, जिसके बाद उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आपको बता दें कि चौबिया पुलिस ने पुलिस फोर्स की घेराबंदी कर अभियुक्त के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बदमाश पर गौ तस्करी का मुख्य आरोप है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक तमंचा, 315 बोर का और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इटावा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। सर, इटावा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा मामला, कैसे पुलिस को सफलता हासिल हुई है? देखिए, 26 तारीख में एक सूचना मिली थी कि गोवंश से भरी हुई एक गाड़ी जा रही है। उसे जब हमने पकड़ने की कोशिश की तो कुछ मुलजिम पकड़े गए थे, कुछ भाग गए थे, जिसका मास्टरमाइंड ये राघवेंद्र था। और राघवेंद्र की सूचना थी कि ये सरेंडर करने के फिराक में है और अपने दोस्तों से मिल रहा है। तो यही सूचना पर इसमें कई बार ट्रेस भी किया गया, लेकिन ये बहुत सातिराना तरीके से प्रयास कर रहा था। फिर रात हमारी टीम जो बर्तना, इंस्पेक्टर बर्तना, इंस्पेक्टर चोबिया और उस रहार की टीम चेक कर रही थी इस पर लोहिया नहर पर, वहीं पर ये एक बदमाश मिला, जिसे रोकने की कोशिश की, उसने फायरिंग की और क्रॉस फायरिंग में उसके पैर में भी इंजरी हुई। और ये पूछताछ की गई तो ये राघवेंद्र ही है, जो कि इसी गोकसी के मुकदमे में चोबिया से वांटेड था। और इसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड, इस पर पहले 12 मुकदमे हैं और सभी गोकसी के हैं। इसने अलग अलग जिलों में, अलग अलग थानों में, ये बिल्होर में किया 2022 में, 2016 में महाराजपुर में किया, और इस पर गैंगस्टर भी लग चुका है, लेकिन ये बिल्कुल इसके लिए ही हर वक्त क्राइम करना ही है। एक कोतवाली तिरवा में 2019 में, तिरवा में 20 में भी किया, और इस तरह से 12 मुकदमे हैं। ये बहुत आदतन अपराधी है। अभी कुछ दिन पहले, 1.5-2 महीने पहले जेल से छूटा था, उसी के बाद ये किया और इसकी सूचना मिली और ये कार्रवाई। ये किस तरीके से प्लानिंग करता है? ये प्लानिंग तो चूँकि ये कुछ खरीद लेता है, कुछ पैट से खरीदता है, कुछ इधर उधर से कहीं से अपने जो गैंग के लोगों के साथ में पकड़ता है, और उसे गुमराह करने के लिए एक आध बिल्टी भी बना ले जाता है, और यही इसका मोडस ऑपरेंडी है। ये पशुओं को कहाँ ले जाता है, किस दाम में बेचता है? अब ये पशुओं को, अभी ये बता रहा है कि बिहार में एक पैट है, वहाँ पर ले जाता है, लेकिन ये इसका कोई निश्चित जगह नहीं है, क्योंकि आदतन है। इसके ऊपर कोई इनाम भी है? हाँ, इसका ये 25,000 का रिवार्ड था। इस पर क्या इसमें अभी और भी कुछ लोग शामिल हैं, इनकी तलाश? हाँ, उनकी भी तलाश चल रही है, अभी कई इसके साथ ही फरार हैं।